एज ए अकाउंटेंट अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना मस्ट हो जाता है, क्योंकि विदाउट डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किए और उसकी एंट्री किए आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। तो आज के सेशन में इस डेप्रिसिएशन को हम सिंपल भाषा में समझते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इसका जो डिटेल कैलकुलेशन है वो हमारे सेशन में हम करते हैं। एक सिंपल भाषा में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप अकाउंट्स प्रोफाइल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब है सिंपल भाषा में कि जो आपके फिक्स एसेट की वैल्यू होती है। करेक्ट है, फिक्स एसेट दो तरीके के होते हैं, अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूँ। एक होता है आपका टेंजिबल एसेट, एक होता है आपका इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट पे एमोटाइजेशन होता है जो एक डिफरेंट कैलकुलेशन है। हम आज के सेशन में ओनली टेंजिबल एसेट की बात करें जहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है कंसिडर होता है। एज अकाउंटेंट सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि डेप्रिसिएशन अगर आपको कंसिडर करना है तो आपको दो एक्ट से कंसिडर करना होगा। एक आपको आपके फाइनेंशियल्स में एंट्री बुक करने के लिए, जो हम एज अ कंपनीज एक्ट जो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और इंडिया 16 में गाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा आपको टैक्स पर्पज़ के लिए इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। जब आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करते हैं तो वहाँ पे आपको बेसिकली वो डेप्रिसिएशन यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हम फाइनेंशियल्स में बुक करते हैं डेप्रिसिएशन उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम टैक्सेशन पर्पज़ पे भी आएंगे। अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल्स में हम बुक करते हैं, अगेन मैंने एक्सप्लेन किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और इंडिया 16 में हमें एक्सप्लेन किया गया। वैसे तो हमें बहुत सारे मेथड बताए गए, जो सबसे ज़्यादा दो मेथड यूज़ होते हैं उसमें है सबसे पहला स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है WDV मेथड। जिन्हें नहीं पता है मैं एक सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर दूं। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि आपका जो डेप्रिसिएशन होता है वो हर ईयर कांस्टेंट होता है, और WDV में जो आपका डेप्रिसिएशन होता है वो रिड्यूस होता है। सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपके एक फिक्स एसेट 10,000 की है जिस पर आपको डेप्रिसिएशन रेट बता दिया गया 10% है, तो अगर आपको SLM से कंसिडर करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपका जो फिक्स एसेट हो 10,000 है उस पर आप डेप्रिसिएशन लोगे 10%, जो आपका 10,000 पे कैलकुलेट होगा। करेक्ट है। सेम अगर आपको WDV पे लेना है तो आपने 10,000 का फिक्स एसेट कंसिडर किया, 10% आपने कंसिडर किया। करेक्ट है फर्स्ट ईयर में। बट सेकेंड ईयर में वहाँ से डिफरेंस आपको स्टार्ट होगा। वहाँ पर डिफरेंस क्या होगा कि जो आपका डिप्रिसिएशन होगा SLM में वो आपकी ओरिजिनल प्राइस पे ही होगी। ओरिजिनल प्राइस मतलब जितने का आपने फिक्स एसेट खरीदा है। करेक्ट है। WDV में क्या होता है कि जो वैल्यू आपकी कैरी फॉरवर्ड होती है, जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस होती है, जो इस साल की ओपनिंग बन के आती है, उस पर आपको डिप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो SLM में आपका जो डिप्रिसिएशन होता है, करेक्ट है, वो आपका कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि आप ओरिजिनल प्राइस पे ही करते हैं, जिसे हम थर्ड ईयर में देख लेते हैं। और WDV में क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग है, जो करंट ईयर की ओपनिंग बनती है, उस पर हम बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको SLM WDV में फर्क क्लियर हुआ है। अब यहाँ पे हम मुद्दे की बात डिस्कस करते हैं जो एज अ अकाउंटेंट आपको ध्यान में रखना है। हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया एग्जाम्पल में कि फिक्स एसेट की वैल्यू 10,000 है और रेट हमने स्टैंडर्ड 10% यहाँ पे कंसिडर कर लिया, मतलब रेट हमें रेडीमेड प्रोवाइडेड है ऐसा हमने कंसिडर किया। बट जब आप कंपनीज में वर्क करेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट हमें बताता है उसमें हमें बताया गया है कि जो डेप्रिसिएशन है शेड्यूल 2 की मैं बात करूं तो जो डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो आपको रेडीमेड नहीं दिया जाएगा, आपको डेप्रिसिएशन का रेट खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। सही सुना आपने, डेप्रिसिएशन का रेट आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। अब ये रेट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए एज अकाउंटेंट? तो सबसे पहले चीज आपको शेड्यूल 2 में यूजफुल लाइफ देखना होगा। आपको क्या देखना होगा? यूजफुल लाइफ, मतलब हर एक फिक्स एसेट की एक यूजफुल लाइफ डिसाइड कर दी गई है। मैं जो कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बात करूं, टैक्स पर्पस का अभी तक मैंने डिस्कशन नहीं किया है। तो यहाँ पे यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग जो है आपको रेट जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपका यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स हो सकता है, 10 ईयर्स हो सकता है, डिपेंड अपॉन कौन से फिक्स एसेट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फैक्टर मैटर करेगा आपको परसेंटेज निकालने के लिए, वो होगा आपका सेल्वेज वैल्यू, जिसको हम रीसेल वैल्यू भी बोल सकते हैं। करेक्ट है, उसको हम रीसेल वैल्यू भी बोल सकते हैं। सेल्वेज जो वैल्यू होता है ये बेसिकली होता है कि जब आपका यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाए। करेक्ट है, जब आपका यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाए तो यूजफुल लाइफ कंप्लीट होने के बाद आपके फिक्स एसेट की रीसेल वैल्यू क्या होगी? मैं 10 साल के बाद की बात करूँ, मतलब आपने यूजफुल लाइफ अगर 10 साल पकड़ा तो उसके बाद क्या होगा? हो सकता है आपके फिक्स एसेट की प्राइस 1% हो, रीसेल वैल्यू बात कर रहा हूँ, या फिर 2% हो। करेक्ट है, या फिर 3% हो, 4% हो, 5% हो। मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड कंपनीज कंसीडर करती है वो 5% ही कंसीडर करती है। उसके बियॉन्ड अगर आपको करना है, 5% के अबव करना, मतलब आप बोल रहे हो कि हमारी रिसेल वैल्यू 6% आ सकती है, 10% आ सकती है, 15% आ सकती है, तो आपको वहाँ पे डिस्क्लोजर करना होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 या इंडिया 16 बोले कि ये हमें जो है बेसिकली ज़्यादा रिसेल वैल्यू, हमें सेल्वेज वैल्यू क्यों मिल रहा है। अभी जो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको हम सेशन में डिस्कस करते हैं। मुझे ये सेशन को एकदम सिंपल रखना है, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी वो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ।
तो इंपॉर्टेंट चीज में पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया जाएगा, आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए आपको दो बातें लगेंगी, एक तो आपको यूजफुल लाइफ और दूसरा सैलवेज वैल्यू। सैलवेज वैल्यू मतलब रीसेल वैल्यू, जो आपको कितना कंसिडर करना है, और तीसरा जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मतलब आपके एसेट की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, वो आपको बेसिकली कंसिडर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे रेट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। आप SLM के लिए जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, WDV के लिए जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप डिप्रिसिएशन हैंडल कर रहे हो, जो कंपनीज एक्ट में जो भी फिक्स एसेट, करेक्ट है, जो भी फिक्स एसेट हम खरीदते हैं, करेक्ट है, परचेस करते हैं, तो वहां पे हम सब फिक्स एसेट फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स नहीं होता, कुछ हम फिक्स एसेट थ्रू आउट द ईयर भी परचेस करते हैं, न्यू परचेस बोलते हैं जिसको, जिसको हम एडिशन के नाम से जानते हैं। तो आपको क्या करना होगा, वो जो फिक्स एसेट जो आपने न्यू परचेस किया है वो जितने दिन यूज हुआ होगा, ध्यान रखना जितने दिन, डे वाइज में बात कर रहा हूँ, जितने दिन यूज हुआ होगा उतने दिन का ही डेप्रिसिएशन आपको कंसीडर करना है। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है ये जो डेप्रिसिएशन हमने कंसीडर किया, ये हमने कंसीडर किया हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करने के लिए, करेक्ट है। अब यहाँ पे बात करते हैं टैक्सेशन पर्पज की, क्योंकि आपको दो डेप्रिसिएशन करना होगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो टैक्सेशन पर्पज में जो पूरा फिक्स एसेट है उसको 4 से 5 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसको ब्लॉक ऑफ एसेट भी बोल सकते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो गए, इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, एंड शिप्स वगैरह हो गए। तो पूरे जो फिक्स एसेट है उसको आपको 5 ब्लॉक में बांटा गया। और बहुत सिंपल यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया होगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको सैलवेज वैल्यू यूजफुल लाइफ कंसीडर नहीं करना है, स्टैंडर्ड जो परसेंटेज दिया है वही आपको करना है, मैं यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर आप IT एक्ट के अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन करो तो उसकी एंट्री हम कहीं नहीं करते, वो हम खाली टैक्स पर्पज के लिए लेते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जैसे हमने कंपनीज एक्ट में कोई फिक्स एसेट लिया तो उसको हम डे वाइज करते हैं, तो आईटी एक्ट में यहाँ पे जो टैक्स पर्पस के लिए करते हैं यहाँ पे डे वाइज का कोई प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि अगर वो फिक्स एसेट आपने 180 डेज से ज्यादा यूज किया है उस साल में विद इन द ईयर तो फुल डेप्रिसिएशन आप लेना, और अगर आपने 180 डेज से लेस यूज किया है तो आप हाफ डेप्रिसिएशन लेना, ये आपका आईटी एक्ट बताता है। तो सिंपल मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एज अकाउंटेंट आपको डेप्रिसिएशन के बारे में एक अच्छी क्लैरिटी हो तो आप इंटरव्यू के लिए बेटर आप प्रिपेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू समझा कि डेप्रिसिएशन में आपको क्या क्या मुद्दे की बात ध्यान रखनी है। फिर मेरा रिक्वेस्ट है कोई डाउट करिए, क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।